हेलो एंड वेलकम गाइस टू येट अनदर सेशन ऑन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के हम पहले दो सेशंस कर चुके हैं एंड आई एम गेटिंग अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप लोगों को सेशंस काफ़ी पसंद आ रहे हैं। सो यस, माय नेम इज चेतन एंड टुडे वी आर येट अगेन विद अनदर सेशन ऑन डिसीजन मेकिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे विच आर रेलेवेंट फॉर नबार्ड ग्रेड ए फेज वन। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कवर कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को डिसीजन मेकिंग, बिकॉज काफ़ी वास्ट है ये एरिया, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ज़्यादा डीप में नहीं कवर करना है, मतलब बेसिकली इट्स मोर अबाउट ब्रेथ देन द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। सो दिस इज द इंटायर लाइव क्लासेस शेड्यूल फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीएस एबी और नबार्ड। तो आप लोग हमारे लाइव क्लासेस के शेड्यूल को देख सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स बींग टेकन अप बाई डिफरेंट मेंटोर्स एंड द टाइमिंग्स एंड द डेज आर ऑल्सो बींग मैंशनड हेयर। ओके, एंड येस आर एप्लीकेशन विच इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले, आई होप यू आर अवेयर, यू कैन डाउनलोड एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट इन योर प्रिपरेशन। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट साइमन मेड की कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इन्हांस आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नाउ हर्बर्ट साइमन इज अ यू नो मेजर नेम, अ फेमस नेम इन द फील्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग और यू कैन से इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो। इन फैक्ट ही पायनियर्ड द फील्ड ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइमन एंड हिज लेटर वर्क विद न्यूवेल। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस विद डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ही सजेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम द डिसीजन मेकिंग मॉडल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन दैट सेंस। हिज मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग हैज थ्री स्टेजेस विच आर। ओके, तो तीन स्टेजेस कौन से हैं इनके मॉडल में, यू हैव टू आइडेंटिफाई। ऑप्शन ए इंटेलिजेंस डिजाइन एक्शन, ऑप्शन बी इंटेलिजेंस डिजाइन इनोवेट। ओके, तो यू कैन साइमल्टेनियसली पोस्ट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। नंबर थ्री इंटेलिजेंस डिजाइन एंड चॉइस, नंबर फोर इंटेलिजेंस इनोवेट एंड चॉइस, और इज इट नंबर फाइव इनोवेट डिजाइन एंड चॉइस। ओके, तो ये पांच ऑप्शन है हमारे पास एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर। थी कौन से तीन स्टेजेस बताए हैं हर्बर्ट साइमन ने। इंटेलिजेंस वर्ड यू कैन सी इट इज रिपीटिंग इन मोस्ट ऑफ द ऑप्शन, इन वन ऑप्शन इट इज ऑल्सो इनोवेट। ओके, और आपको चॉइस जो है वो भी आपको काफी मैक्सिमम ऑप्शंस में यहाँ पे दिख रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लेट मी टेल यू इज ऑप्शन सी। द थ्री स्टेजेस आर इंटेलिजेंस डिजाइन एंड चॉइस। ओके, सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद इंटेलिजेंस विच इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इशू फ्रॉम द एनवायरमेंट। सबसे पहले यूजिंग इंटेलिजेंस यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो यूजिंग इंटेलिजेंस बेसिकली इट मींस इंटेलिजेंस मींस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। देन डिजाइन मींस डिसाइड ऑन द क्राइटेरिया बाय विच टू मेक द डिसीजन। अब डिसीजन लेना है उसके लिए कोई क्राइटेरिया, डिसीजन क्राइटेरिया होना चाहिए। ओके, एंड फाइनली द चॉइस वेयर यू अप्लाई द क्राइटेरिया टू सेटल ऑन वन आउट ऑफ मेनी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब लास्ट में आपको चॉइस करनी है। तो दीज आर द थ्री स्टेजेस एज पर द मॉडल गिवन बाय हर्बर्ट साइमन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड असेसिंग ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन। आई थिंक ये बहुत बेसिक स्टेटमेंट है। देखो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग भी होता है बट समटाइम्स द इन्फॉर्मेशन इज रेलिवेंट, समटाइम्स इट इज नॉट। ओके, बट पढ़ना तो पड़ता ही है बिकॉज वी नेवर नो। यूजिंग अ स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन हेल्प यू मेक more deliberate thoughtful decisions by organizing relevant information and defining the alternatives. Okay, now which of the following statements is false? Kuch statements maine aapko di hai, you have to identify the incorrect statement out of these five. Number one, information is relevant if it is pertinent to a decision problem. Okay, number two, relevant information has a bearing on the future. Number three, sunk costs are irrelevant to decision problems. Number four, opportunity cost are irrelevant to decision problems. And number five, relevant and accurate data are of value only if they are timely. Okay, तो false या incorrect statement identify करनी है। We will go statement by statement, एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले information is relevant if it is pertinent. Obviously, बहुत ही logical argument है। सेकेंड, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैज अ बियरिंग ऑन द फ्यूचर। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है तो फ्यूचर में उसकी बियरिंग होगी, फ्यूचर में उसका इंपैक्ट होगा। अगेन इट इज ट्रू
फॉल्स नहीं है. देन संक कॉस्ट आर इररिलेवेंट, बिल्कुल सही बात है. संक कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो हो चुकी है, अब दैट शुड नॉट अफेक्ट योर यू नो डिसीजंस, क्योंकि वो आप ऑलरेडी बियर कर चुके हो. तो अगेन दे आर इररिलेवेंट, बिल्कुल सही बात है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर इररिलेवेंट, नाउ दिस इज फॉल्स बिकॉज और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है दे आर वेरी रिलेवेंट, बहुत रिलेवेंट है वो. तो भी आपको लेट मी टेल यू कि क्यों रिलेवेंट है. सी what happens is with the opportunity cost you will consider the fact that when you make a choice you have to sacrifice other options. What is opportunity cost? Basically jo aapne sacrifice kiya hai. To give you an example, let's suppose aapke paas do options hai, either you go for a MBA or you go for a job, private job. theek hai, to MBA karoge to aap job nahi kar paoge us particular time pe, जॉब के लिए चले जाओगे तो एमबीए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल. तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. इफ यू आर गोइंग फॉर एमबीए योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज यू आर फॉर गिविंग यू नो लेटिंग गो सम सैलरी विच यू कुड हैव अर्नड ड्यूरिंग दोज टू ईयर पीरियड. तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, तो ये रेलेवेंट होता है, दिस इज रेलेवेंट, दिस इज नॉट इररिलेवेंट. ओके, दिस हेल्प्स मेक मोर इकोनॉमिकली एक्यूरेट डिसीजंस. ओके, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर करा जाता है. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड. यस, महेश इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ सक्सेसफुल मिड साइज्ड इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज, कंसीडरिंग वेदर टू कॉल ऑफ अ प्लांट एक्सपेंशन. ठीक है, वो अपने प्लांट का, अपने फैक्ट्री का एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं महेश. ओके, फॉर अ वाइल ही हैज बीन कंसर्न्ड दैट हिज कंपनी वोंट बी एबल टू सस्टेन द रैपिड पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स. उनको ऐसा लगता है कि कंपनी मे बी उस ग्रोथ को मैच ना कर पाए. ओके, जो जैसे उनकी एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ रही है, तो मे बी दैट इज वाई ही इज प्लानिंग टू एक्सपैंड. ठीक है, He fears that the value of the Indian rupee will strengthen in coming months. अब देखो, अगर रुपी स्ट्रांग हो जाएगा तो उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब जो वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसकी डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे. ओके, मेकिंग इज गुड्स मोर कॉस्टली फॉर ओवरसीज कंज्यूमर्स एंड डैम्पनिंग द डिमांड. डैम्पनिंग मतलब डिमांड कम हो जाएगी. बट बिफोर ही पुट्स द ब्रेक्स ऑन द प्लांट एक्सपेंशन, ही डिसाइड्स टू कॉल अप हिज फ्रेंड राहुल, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सिमिलर कंपनी दैट रिसेंटली मॉथबॉल्ड अ न्यू फैक्ट्री, टू चेक हिज रीजनिंग. राहुल से बात करी, हिज फ्रेंड, हिज एक्विंटेंस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ सिमिलर शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. राहुल प्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग केस दैट अदर करेंसीज आर अबाउट टू वीकन सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट द इंडियन रूपी. बट राहुल ने कुछ और आर्ग्यूमेंट दे दिए यहाँ पे कि मेजरली करेंसीज रूपी के अगेंस्ट वीकन, दे आर अबाउट टू वीकन सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट द इंडियन रूपी. इफ महेश लेट्स हिज कॉन्वर्सेशन विद राहुल टू बी द डिसाइसिव फैक्टर, देन ही हैज फॉलन विक्टिम टू. देखो, राहुल ने एक आर्ग्यूमेंट दिया है. देखो, महेश वॉन्टेड टू एक्सपैंड, ठीक है, लेकिन उनको लगा था इंडियन रूपी विल स्ट्रेंथन. ठीक है, अब लेकिन राहुल ने स्ट्रॉन्ग केस दे दिया दैट अदर करेंसीज आर अबाउट टू वीकन सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट द इंडियन रूपी. देखो, यहाँ पे महेश को भी लग रहा था इंडियन रूपी विल स्ट्रेंथन. इंडियन रूपी स्ट्रेंथन मतलब बाकी करेंसीज गो डाउन, विल गो डाउन. नाउ राहुल सेज अदर करेंसीज आर अबाउट टू वीकन सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट द इंडियन रूपी. ठीक है, तो अब ये अगर महेश, ये जो राहुल से कन्वर्सेशन हुई है, इसको मान के डिसीजन लेता है, इसके बेसिस पे डिसीजन लेगा, देन ही इज फॉलिंग विक्टिम टू विच ट्रैप ऑफ डिसीजन मेकिंग. एंड ऑप्शंस आर एंकरिंग ट्रैप, स्टेटस को, संक कॉस्ट ट्रैप, कंफर्मिंग एविडेंस ट्रैप और फ्रेमिंग ट्रैप. तो दीज आर द फाइव ऑप्शंस. काफी सारे ट्रैप्स, तो कुछ तो मतलब इनमें से कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आर प्रीवियस टू सेशंस. ठीक है, तो ये आपने पूरी केस स्टडी पढ़ ली. Now the right answer for this is option D, confirming evidence. आप confirm कर रहे हो ना, ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज लगता है, we think कि yes this should be the right decision, लेकिन हम किसी और से confirm करना चाहते हैं, हम validation, we go for validation, right? This is a very common behavior. साइकोलॉजी में भी इसको पढ़ाया जाता है. तो वैलिडेशन बिहेवियर है, तो आप एक कन्फर्मिटी चाहते हो. ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में आपको मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी मिलते हैं. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लीडरशिप की कुछ थ्योरीज भी मिलेंगी यहाँ पे. ठीक है, कंफर्मिंग लीड्स अस टू सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स आर एग्जिस्टिंग बिलीव्स, आर एग्जिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज.
वाइल अवॉइडिंग इन्फॉर्मेशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स, जो हमको सही लगती है इन्फॉर्मेशन वो हम ले लेते हैं, ओके, सिलेक्टिव परसेप्शन टाइप है कुछ ये, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट हर्बर्ट साइमन, फिर से नाम आ गया इनका, नोबल प्राइज विनर फॉर हिज वर्क इन बिहेवियरल साइंस, फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी। आई थिंक इसकी बात भी हम कर चुके हैं इन वन ऑफ आर प्रीवियस सेशंस। तो ही प्रपोज द आइडिया ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इन 1955, बहुत पहले कर दिया था, टू काउंटर द कॉमनली हेल्ड बिलीफ दैट बींग इकोनॉमिकल वॉज इक्विवेलेंट टू बींग रैशनल, ओके। तो इन्होंने इस बिलीफ को काउंटर किया है, बींग रैशनल अंडर एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक थ्योरीज मेंट दैट व्हेन एन इंडिविजुअल वॉज प्रेजेंटेड विद अ चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, दे वुड बी एबल टू मेक द चॉइस दैट वॉज ऑप्टिमल। पहले तो हम ये समझते थे ना, दिस वॉज कॉल्ड रैशनैलिटी एज ऑप्टिमाइजेशन, रैशनैलिटी और ऑप्टिमाइजेशन को इक्वेट कर दिया, ठीक है। एंड साइमन्स प्रपोजल वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल इन डिस्प्लेसिंग सच मॉडल, इसको उन्होंने चैलेंज किया, इसको यू नो इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स दिए। साइमन डिड नॉट बिलीव एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनैलिटी, ओके, ही प्रपोज्ड बाउंडेड रैशनैलिटी टू टेक इनटू अकाउंट द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, एंड इंक्लूडिंग मैन एंड काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट। तो बाउंडेड रैशनैलिटी की बात की है कि रैशनैलिटी इज बाउंडेड, इट इज नॉट फुल फ्लेज्ड एज सच। साइमन फेमसली यूज्ड अ डैश मेटाफर टू डिस्क्राइब व्हाई ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी वॉज इनसफिशियंट फॉर लुकिंग एट डिसीजन मेकिंग। तो उन्होंने कुछ एक मेटाफर यूज किया है, कुछ एक कंपैरिजन टाइप किया है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट मेटाफर, इज इट क्लिपर मेटाफर, सीजर मेटाफर, ओके, स्निपर मेटाफर, प्रूनर मेटाफर और ट्रिमर मेटाफर, ऑल दीज आर टूल्स, ओके। तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन दे देता है। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, जो काफी ऑब्वियस लग रहा होगा शायद आप लोगों को, सीजर मेटाफर, ओके। सीजर मेटाफर क्यों है, देखो सीजर, अ सीजर हैज टू ब्लेड्स, दो ब्लेड्स होती हैं, वैसे तो मैंने आपको जो बाकी टूल्स भी लिखे हैं आई थिंक उनकी भी दो ही ब्लेड्स हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे द टू ब्लेड्स आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग, सो वन ब्लेड रिप्रेजेंट ह्यूमंस ब्रेन कैपेसिटी एंड द सेकेंड ब्लेड रिप्रेजेंट्स द एनवायरमेंट, ठीक है। तो एनवायरमेंट का भी रोल है यहाँ पे, इसीलिए बाउंडेड रैशनैलिटी की बात हो रही है। इफ वी लुक एट ईदर ब्लेड ऑफ अ सीजर अलोन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट कट्स, वी हैव टू सी बोथ ऑफ देम, ओके। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट ऑल डिफरेंट फैक्टर्स दैट गो इन टू डिसीजन मेकिंग, सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, नोबेल लॉरेट डैनियल कैनेमैन डिस्क्राइब्स टू डिस्टिंक्ट सिस्टम्स। डैनियल कैनेमैन की बहुत फेमस बुक है, इफ यू हैव रेड इट, साइकोलॉजी में भी पढ़ाते हैं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, ओके। तो ही डिस्क्राइब्स टू डिस्टिंक्ट सिस्टम्स फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एज टू व्हाई पीपल समटाइम्स एक्ट अगेंस्ट देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। सिस्टम वन इज फास्ट, ऑटोमेटिक एंड हाईली susceptible to environmental influences, while system 2 processing is slow, reflective and takes into account explicit goals and intentions. Do system ki baat kari unhone, when situations are overly complex or overwhelming for an individual's cognitive capacity, or when an individual is faced with time constraints or other pressures, system 1 processing takes over decision making. Dash alters that environment so that when system 1 decision making is used, okay, the resulting choice will be the most productive, ठीक है। तो ये अब आपसे देखो क्वेश्चन में डैनियल कैनेमैन की जो थ्योरी थी उसके बारे में बात कर दी, लेकिन ऑप्शंस में जो हमको दिया गया है वो एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट ऑल्टर्स द एनवायरनमेंट सो दैट सिस्टम 1 डिसीजन मेकिंग इज यूज। जब सिस्टम 1 यूज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ओके एक और ऑल्टरनेटिव थ्योरी की यहाँ पे बात की जा रही है। ऑप्शंस क्या है, ट्रैप, बायस, ट्रस्ट, ह्यूरिस्टिक्स और नज, एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज नज। देखो नज थ्योरी काफी फेमस है ये, अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना डिटेल में। नज थ्योरी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, एक मतलब अच्छा एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी निकल के आया है। नज में क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी सुपरमार्केट स्टोर पे जाते हो, कहीं जाते हो, तो कुछ चीज़ें प्रमोट करने के लिए वो ओके आपके पास एक प्रोमिनेंट प्लेस पे रखते हैं, तो एक तरीके से आपको नज करते हैं, थोड़ा सा आपको धक्का देते हैं कि हाँ इसको बाय करो। या फिर नज का एक और एग्जाम्पल दूँ,
कई बार आप जैसे कुछ पेमेंट करते हो पेटीएम पे, तो वहां पे एक बॉक्स होता है और उस पर ऑलरेडी टिक लगा होता है। तो इस तरीके की चीजें आप कई बार ध्यान में नहीं देते हो और आप उस टिक को अनटिक नहीं करते हो, अनचेक नहीं करते हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको एक पुश देते हैं कि आप इस चीज को प्रमोट, आपको प्रमोट करने के लिए, उस चीज को प्रमोट करने के लिए वो ऑटोमेटिकली उसको चेक करके उस बॉक्स को, या बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं ओके वहां पे वो ऑलरेडी जो वो चाहते हैं वो उसको ऑलरेडी शो करते हैं। ठीक है, तो ये काफी कॉमन हो गया है मार्केटिंग वगैरह में, इसके बारे में पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग है ये। सो नज थ्योरी की थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। इट इज अ कॉन्सेप्ट इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी एंड बिहेवियरल साइंस दैट प्रपोजेस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, एंड इनडायरेक्ट सजेशंस एज वेज टू इन्फ्लुएंस आपके बिहेवियर, आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है ये नज। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स। द सिक्स थिंकिंग हैट्स अप्रोच वॉज क्रिएटेड बाय एडवर्ड डी बोनो, अ माल्टीज फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर। ही यूज्ड इट इन हिज वर्क एडवाइजिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, बट ही ऑल्सो वॉन्टेड इट टू बी अ प्रैक्टिकल टूल फॉर एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट फर्स्ट अपियर्ड इन 1985 बुक ऑफ द सेम नेम, विच हैज सिंस बीन रिवाइज्ड सेवरल टाइम्स। ओके, द सिक्स थिंकिंग हैट्स टेक्निक गेट्स यू टू लुक एट अ प्रॉब्लम इन सिक्स डिफरेंट वेज। ये भी काफी फेमस टेक्निक कह सकते हैं, अप्रोच कह सकते हैं, गिवन बाय एडवर्ड डी बोनो इन द ईयर 1986। इसमें सिक्स थिंकिंग हैट्स की बात की गई है। ओके, विच ऑफ द बिलो हैट्स रिप्रेजेंट क्रिएटिव थिंकिंग। तो छह कलर्स की छह हैट्स हैं एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग में आपको इसमें हेल्प करता है ये थ्योरी। सो क्रिएटिव थिंकिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय विच कलर एज पर दिस थ्योरी? ब्लू हैट, रेड हैट, ग्रीन हैट, येलो और ब्लैक, दीज आर द फाइव ऑप्शंस। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रीन हैट। ग्रीन हैट रिप्रेजेंट्स क्रिएटिव थिंकिंग, और बाकी हैट्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। ठीक है, सो येलो हैट इज फॉर पॉजिटिविटी, ग्रीन हैट इज फॉर क्रिएटिविटी, रेड हैट इज फॉर फीलिंग्स और इमोशंस, व्हाइट हैट इज फॉर योर डेटा और रैशनैलिटी। ओके, ब्लैक हैट रिप्रेजेंट्स नेगेटिविटी और कॉशन, ब्लैक से वैसे समझ में आता है। ओके, एंड ब्लू हैट रिप्रेजेंट्स प्रोसेस और कंट्रोल। ठीक है, यू मे रीड मोर अबाउट दिस थ्योरी ऑल्सो। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज क्वेश्चन सेवन। द हॉथोर्न स्टडीज शोड दैट पीपल एज मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एंड देयर मेंबरशिप हेल्प्स शेप देयर वर्क बिहेवियर एंड एटीट्यूड towards the organization. Okay, I hope aap log thake nahi hoge. An organization cannot function in isolation, it requires people. People are social animals, humko pata hai, they cannot live without social interaction, socially interacting. और आई थिंक हॉथोर्न स्टडीज भी बहुत फेमस है, ऑल दो ये मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, बट अगेन बहुत फेमस स्टडी है ये। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ सिस्टम थ्रू विच The workforce interacts with each other. For instance, some organizations only allow their staff to communicate during lunch breaks unless for work purpose. कई जगह काफी restriction रहती है communication पे. This setup often leads to formulation of various groups in the organization. अब आप formally नहीं बात करने देते, restriction लगाते हो, तो informally groups अपने आप create हो जाते हैं. Even sale classified the groups as per the pressure tactics adopted by small group. Sometimes clique exist in organization or even quality circles. ये अलग अलग तरीके के groups हैं बस, ठीक है। A team or group develops in stages when people work together as a group or a team. ठीक है, तो groups बन जाते हैं, informal, formal groups बन जाते हैं. Decision making is not an easy task. It is similar to friends deciding what to do on the weekends. But unlike friends, groups in the organization use different techniques to come to a conclusion. Which of the following techniques of group decision making is used for consolidating results from several task force and suited for problems that are multidimensional? अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, सेवरल टास्क फोर्स एंड सूटेड फॉर प्रॉब्लम्स दैट आर मल्टी डायमेंशनल। तो ये कीवर्ड्स को यूज करके इनको, मतलब इसके बेसिस पे आप आंसर कर पाओगे। एंड वट आर द ऑप्शंस? कंसेंसस मैपिंग, डेल्फी टेक्निक, ब्रेन स्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एंड स्टेप लैडर टेक्निक। ओके, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कंसेंसस मैपिंग।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए कंसेंसस मैपिंग. एंड टू टेल यू इन ब्रीफ कि ये होता क्या है, जैसे तो काफी कुछ क्वेश्चन में भी बताया है. कंसेंसस मैपिंग बिगिंस विद योर टीम जनरेटिंग एंड डेवलपिंग आइडियाज. ओके, इट देन अटेम्प्ट्स टू अराइव एट अ डिसीजन बाय पूलिंग दीज आइडियाज. इनको आइडियाज को सबको पूल इकट्ठा करके. ओके, विच हैव बीन जनरेटेड बाय सेवरल टास्क सब ग्रुप्स. द आइडियाज जनरेटेड बाय द टास्क आर फर्दर डेवलप कलेक्टिवली एंड देन नैरो डाउन. ठीक है, उनको फिर आप नैरो डाउन करते हो, एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश करते हो. सब्सिक्वेंटली ऑल द आइडियाज आर देन नैरो डाउन इन टू एन इवन स्मॉलर नंबर. ओके, दिस टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स. यही हमारा कीवर्ड था. तो ये अगर आपने पढ़ा होता तो आपको, मतलब अगर आपको इस करेक्टरिस्टिक के बारे में पता होता ऑफ कंसेंसस मैपिंग, तो आप आंसर कर पाते. राइट, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8. मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू सेट प्रायोरिटीज एंड टाइम डिसीजंस करेक्टली. However, the most important influence on managerial decision making is a manager's personal attributes or his or her own decision making approach. A manager who decides on a solution and then gathers material to support the decision. ठीक है, अब ये कौन सा decision making model यहाँ पे use कर रहे हैं? And the options are creative decision, predisposed, rational, intuitive or logical. देखो कुछ keywords, कुछ key फ्रेजेस आइडेंटिफाई करने होते हैं. क्या लिखा है, डिसाइड्स ऑन अ सोल्यूशन. सोल्यूशन पहले डिसाइड कर लिया एंड देन गैदर्स मटेरियल टू सपोर्ट द डिसीजन. तो बहुत ही एविडेंट है दैट द राइट आंसर शुड बी प्रीडिस्पोज्ड डिसीजन मॉडल, ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो यू कैन रीड दिस थ्योरी. डिसीजन मेकर्स यूजिंग दिस अप्रोच do not search out all possible alternatives, rather they identify and evaluate alternatives only until an acceptable decision is found. Having found a satisfactory alternative, the decision maker stops searching for additional solutions. Other and potentially better alternative may exist but will not be identified or considered because the first workable solution has been accepted. Okay, so option B is the right answer. Moving on, question 9, the second last question for today. Yes, consider the below steps. अब यहाँ पे कुछ steps given है आपको. आपको identify करना है कि ये steps कौन सी decision making technique को belong करते हैं. देखो, decision making की techniques बताई हैं, quantitative भी हैं, qualitative भी हैं. तो ये steps कौन सी technique का part है, कि क्या steps क्या है. Number 1, present the task to the team. Number 2, क्रिएट कोर ग्रुप ऑफ टू मेंबर्स. दो मेंबर्स का एक ग्रुप बनाएंगे, कोर ग्रुप. देन नंबर 3, ऐड अ थर्ड टीम मेंबर. स्टेप नंबर 4, रिपीट विद मोर मेंबर्स. और मेंबर्स को धीरे धीरे ऐड करोगे. एंड स्टेप 5, यू अराइव एट द फाइनल डिसीजन. ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लॉजिकली भी इसका आंसर निकाल सकते हो वैसे तो. द अबव स्टेप्स बिलोंग टू विच ऑफ द बिलो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स और मॉडल्स. नॉट मॉडल्स, टेक्निक्स रादर. ऑप्शंस आर नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डेल्फी, डायडेक्टिक इंट्रैक्शन. देखो, ये बहुत सारे टर्म्स यूज करता हूँ, तो आप लोग के, आप लोगों का होमवर्क कह लो या आपका ये यहाँ पे रोल है कि आप लोग इनके बारे में पढ़ो. बिकॉज एक सेशन में मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मल्टीपल सेशन ले रहे हैं, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है. ठीक है, देन पॉसिबिलिटी रैंकिंग एंड नंबर 5, स्टेप लैडर टेक्निक. तो जैसे कि आपको देख रहे हो कि ये स्टेप्स में हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर एक कैलकुलेटेड गेस भी करना हो, वैसे तो ज़्यादा गेस वर्क नहीं करना चाहिए, बट कई बार हम लॉजिकली आंसर निकाल सकते हैं अगर हमें नहीं भी आता हो. तो यहाँ पे आंसर होगा स्टेप लैडर टेक्निक. स्टेप लैडर मतलब आप एक, यहाँ पे इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप आप मेंबर्स भी ऐड कर रहे हो और एक इस तरीके से इंक्रीमेंटल प्रोसेस टाइप यहाँ पे हो रहा है. तो ऑप्शन ई, स्टेप बाय स्टेप लैडर टेक्निक. ओके, तो स्टेप लैडर टेक्निक, इट इज सिमिलर टू द डेल्फी मेथड. काफी सिमिलैरिटीज भी हैं इन दोनों में. द स्टेप लैडर टेक्निक इनकरेजेस ईच टीम मेंबर टू गिव देयर पर्सनल ओपिनियन ऑन अ मैटर बिफोर एनीवन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड. तो ये डेल्फी में भी होता है कि जो एक्सपर्ट से आप उनके एडवाइस लेते हो, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं करता. एक एक्सपर्ट के एडवाइस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर एक्सपर्ट. ओके, दिस टेक्निक प्रिवेंट्स ग्रुप थिंक एंड एनकरेजेस ऑथेंटिसिटी एंड ऑनेस्टी इन योर टीम मेंबर्स आंसर्स. ठीक है, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं टेक्निक के. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10. द पाथ गोल थ्योरी डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हाउस इज बेस्ड
ऑन द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अ मैनेजर्स जॉब इज टू कोच और गाइड वर्कर्स टू चूज द बेस्ट पाथ फॉर रीचिंग देयर गोल्स बेस्ड ऑन द गोल सेटिंग थ्योरी लीडर्स इंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड डिमांड्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन एज पर दिस थ्योरी विच ऑफ द बिलो लीडरशिप स्टाइल इज मोर इफेक्टिव अंडर एम्बिगुअस एंड नॉन रिपीटेटिव टास्क कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ऑप्शंस आर अचीवमेंट ओरिएंटेड डायरेक्टिव सपोर्टिव पार्टिसिपेटिव और डेलीगेटिव दीज आर द फाइव ऑप्शंस अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे देखो बात यहाँ पे कर रहे हैं पाथ गोल थ्योरी दिस इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरी अंडर लीडरशिप इट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हाउस अब इसमें पूछा है विच ऑफ द बिलो लीडरशिप स्टाइल इज मोर इफेक्टिव अंडर एम्बिगुअस एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर क्लैरिटी नहीं है आपके पास अनक्लियर ओके एम्बिगुअस मीन्स इट इज लैकिंग क्लैरिटी अनक्लियर एंड नॉन रिपीटेटिव का मतलब पता ही है तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल देखो चार स्टाइल्स हैं जो इस थ्योरी में दिए गए हैं दीज आर द फोर स्टाइल्स एज पर दिस थ्योरी फर्स्ट इज डायरेक्टिव देन सपोर्टिव देन पार्टिसिपेटिव एंड देन अचीवमेंट ओरिएंटेड तो ये चार स्टाइल्स के बारे में बात करी है रॉबर्ट हाउस ने इन हिज थ्योरी नाउ क्या है ये नंबर वन डायरेक्टिव तो दिस अब देखो अलग अलग स्टाइल जो है वो अलग अलग सिचुएशन में अप्रोप्रिएट है अगर बात करें डायरेक्टिव की पॉजिटिवली अफेक्ट सेटिस्फैक्शन एंड एक्सपेक्टेंसीज ऑफ सबॉर्डिनेट्स वर्किंग ऑन एम्बिगुअस टास्क देखो इसमें सिर्फ एम्बिग्विटी है इसमें नॉन रूटीन की बात नहीं करी तो इसलिए आंसर नहीं है ठीक है नेगेटिवली अफेक्ट सेटिस्फैक्शन एंड एक्सपेक्टेंसीज ऑफ सबॉर्डिनेट्स वर्किंग ऑन क्लियरली डिफाइंड टास्क सपोर्टिव का देखोगे सपोर्टिव किसके लिए है स्ट्रेसफुल फ्रस्ट्रेटिंग टास्क के लिए होता है ठीक है पार्टिसिपेटिव कब काम में आएगा नॉन रिपीटेटिव यहां पे भी एक ही फीचर है एम्बिगुअस वाली बात नहीं करी लेकिन जहां पे एम्बिगुअस फीचर भी आ जाए और नॉन रिपीटेशन वाला फीचर भी आ जाएगा वहां पे आप अचीवमेंट ओरिएंटेड स्टाइल यूज करोगे दैट इज ऑप्शन नंबर ए इन दिस क्वेश्चन आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी क्लियर यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेके किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे डाल देना आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स एंड क्वेरीज ओके सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट चलिए ऑन दैट नोट आई विल एंड द सेशन हेयर ऑल द वेरी बेस्ट टेक केयर गुड बाय हैव अ नाइस डे